वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अव न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया व्हाट इज़ पैरीमीटर द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री बेटा पैरीमीटर क्या होता है किसी भी क्लोज फिगर की जो उसकी बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को हम बोल देते हैं पेरीमीटर ओके इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहें कि किसी भी अगर जो क्लोज फिगर है उसकी हमने पैरेमीटर निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे उसकी साइड्स का सम निकाल के बच्चे ओके सम ऑफ दी साइड्स इज इक्वल टू द पैरेमीटर ऑफ द गिवन फिगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिगर देखो बेटा यहाँ आपको साइड्स दे रखी है ना सेवन सेवन नाइन नाइन फाइव तो बेटा इसकी पैरामीटर क्या होगा इसका सम ऑफ दी साइड्स तो क्या आ जाएगा सेवन प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस नाइन प्लस फाइव दैट इज़ इक्वल टू थर्टी सेवन सेंटीमीटर ओके सेकंड देखो बेटा आपको ये ट्राइंगल दे रखी है ना और साइड्स गिवन है ट्राइ की थ्री फोर फाइव सो पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू क्या जाएगा थ्री प्लस फोर प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ओके बच्चे तो बेटा पैरीमीटर क्या होता है किसी फिगर का सम ऑफ द साइड्स इट मीन्स लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री ओके बच्चे एरिया एरिया क्या होता है बेटा एरिया होता है बच्चे कि किसी भी फिगर जब हम बड़ा एरिया निकाल रहे हैं एरिया मीन्स होता है कि उसने कितना पोर्शन कवर किया हुआ है द रीज़न एन क्लोज बाय अ क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड एरिया द शेडेड पोर्शन ऑफ दिस फिगर रिप्रजेंट इट्स एरिया इट मीन्स कि उसने कितना कितनी जगह बेटा कितनी स्पेस उसने ले रखी है उसे हम बोल देते हैं एरिया ओके बच्चे पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्केयर फर्स्ट ऑफ ऑल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यस बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता क्या है बेटा ए क्लोज फिगर ओके बेटा जिसकी फोर साइड्स हैं एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ओके लाइक दिस ये देखे ना लेंथ लेंथ ब्रेड ब्रेथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरीमीटर क्या होता है बच्चे सम ऑफ दी साइड्स तो क्या आ जाएगा एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी डैट मीन्स एल प्लस एल क्या बन गया टू एल एंड बी प्लस बी क्या हो गया टू बी टू बेटा कॉमन ले लेंगे हम तो क्या आ जाएगा टू बेटा कॉमन ले लिया अंदर आ गया ओनली एल प्लस बी ओके बच्चे इट मीन्स पैरिमीटर ऑफ एंगल क्या आ गया बेटा टू लेंथ प्लस ब्रेथ ओके नौ पैरीमीटर ऑफ स्केयर बेटा स्केयर क्या होता है बच्चे एक क्लॉस फिगर है जिसकी फोर साइड्स होती हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल ओके स्केयर क्या होता है जिसकी सारी साइड्स सेम होती हैं पेरीमीटर सम ऑफ दी साइड्स ऑल साइड सेम है हमने मान लिया कि वो कोई एस है बेटा एस ले लिया हमने एस प्लस एस प्लस एस दैट इज इक्वल टू बेटा क्या बन जाएगा अब यहाँ पर फोर टाइम्स एस आया ना तो क्या आ गया फोर एस बेटा एस क्या था यहाँ पे साइड थी ना स्केयर की इट मीन्स पैरामीटर ऑफ स्केयर क्या हो गया फोर मल्टीप्लाइड बाई साइड नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्केयर फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो बच्चे एरिया था क्या कि बेटा पोर्शन कितना कवर किया हुआ उस क्लोज फिगर ने उसे हम बोल देते हैं एरिया अब निकालते कैसे बेटा फॉर्मूला क्या रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इन गिवन फिगर एल बच्चे यहाँ पर क्या है अब फोर सेंटीमीटर है ओके okay? यहाँ लिखा हो ना एल ऊपर लिखा हुआ है एल नीचे लिखा हुआ है फोर बट इसमें होता भी क्या है ऑपोजिट साइड्स आर सेम इट मीन्स एल इज इक्वल टू फोर एंड बी इज इक्वल टू फाइव एरिया क्या था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड एल फोर है बच्चे और ब्रेथ क्या है फाइव है फोर इन फाइव फोर फाइव आर ट्वेंटी ट्वेंटी स्केयर सेंटीमीटर अब बेटा एरिया में जो लास्ट में हम क्या डालते हैं यूनिट क्या होता है बेटा स्केयर में होता है बच्चे वो चाहे वो मीटर है सेंटीमीटर है मिलीमीटर है किलोमीटर है तो बेटा वो स्केयर में आएगा ओके okay? तो बेटा ये होता है यूनिट होता है एरिया का स्केयर सेंटीमीटर चाहे बेटा आप ऊपर पावर में लगा सकते हो सेंटीमीटर के ऊपर चाहे बेटा आप स्केयर आगे डाल सकते हो इट्स योर चॉइस एरिया ऑफ स्केयर बड़ा स्केयर क्या था ऑल साइड आर सेम इसका बेटा एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड इन द गि फिगर साइड इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर देयर फोर एरिया ऑफ द गिवन स्केयर इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा साइड इन टू साइड था ना दैट मीन सेवन सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेवन सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू फोर्टी नाइन सेवन सेवन फोर्टी नाइन स्केयर सेंटीमीटर स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइंड एरिया ऑफ स्केयर पार्क हुज पेरीमीटर इज थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मीटर अब यहाँ बेटा हमें एरिया निकालना है स्केयर पार्क का और हमें गिवन क्या है पेरीमीटर ओके पेरीमीटर ऑफ स्केयर पार्क इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मीटर तो बच्चे क्या होता है पेरीमीटर स्केयर का फोर इन टू सो फोर इंटू साइड इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मीटर अब यहाँ बेटा फोर क्या हो रहा है साइड के साथ मल्टीप्लाई तो बेटा यहाँ कर क्या हो जाएगा डिवाइड सो साइड इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी ओवर फोर दैट इज इक्वल टू एट्टी इट मींस साइड ऑफ स्केर इज इक्वल टू क्या गया 80 meter आ गया बच्चे एट्टी मीटर आ गया नाउ एरिया ऑफ स्केयर दैट इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड That is equal to 80 meter multiplied by 80 meter. 8 eights are 64 and there are two zeros now. So, 6400 meter square area of square. Question number 3 Find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square. एंड देंथ इज ट्वेंटी टू मीटर ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर नाउ दिस इज अटेंगुलर प्लॉट बेटा यहां पर क्या गिवन हैिवन है एंड लेंथ गिवन है बच्चे हमने निकालना क्या है ब्रेथ एंड पेरीमीटर एरिया ऑफ रिक्टेंगुलर प्लॉट बेटा प्लॉट की शेप क्या है रेक्टेंगल है बेटा और एरिया क्या है इसका फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर स्क्र तो बच्चे क्या होता है एरिया इसका लेंथ मल्टीप्लाइड इक्वल टू फोर्टी मीटर स्क्वायर अब बच्चे लेंथ की वैल्यू ट्वेंटी टू इंटू बी इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फोर्टी मीटर स्क्वायर नाउ बी इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय 22 सो so, बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा ट्वेंटी कैसे आया बेटा बेटा कटिंग करके आ गया आपका ट्वेंटी टू टूर फोर्टी फोर टू एंड जीरो ट्वेंटी मीटर ब्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर बेटा आपका फर्स्ट आंसर आ गया ब्रेड अब हमने निकालना है पेरीमीटर बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो क्या होता है बच्चे टू इंटू एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेड टू इंटू एल है बच्चे ट्वेंटी टू एंड ब्रेथ क्या है ट्वेंटी सो टू इन टू क्या जाएगा ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी दैट इज इक्वल टू फोर्टी टू सो टू मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी टू दैट इज इक्वल टू एट्टी फोर मीटर दिस इज दैरीमीटर ऑफ प्लॉट ओके बच्चे थैंक यू